कभी मुझे किसी ने पूछा था कि भगवान खाता तो है नहीं तो भोग क्यों लगाएं? मैंने निवेदन किया, खाता नहीं है तभी तो लगाना चाहिए। शायद 4 फुल्का दाल और 250 ग्राम चावल खाता होता तो शायद कोई भोग लगाता भी नहीं। कितना सस्ता है भगवान, बिना खाए हुए भी आपके ऊपर मेहरबानी कर देता है, तो इतने सस्ता काम भी नहीं किया जाता। आप मुझे पूछें क्या खाता है तो मैं कहूंगा हाँ खाता है। आप कहोगे दाल रोटी चावल तो कम होता ही नहीं है। जो दाल रोटी चावल को खाते खाते कम कर दें वो जगत के लोग हैं, और खा भी ले और पूरा का पूरा ही बना रहे, पूर्ण मदहा पूर्णमिदम पूर्णा पूर्ण मदच्छते, इसलिए तो वो जगदीश है। वो सब कुछ आपके लिए रख देता है, खा भी लेता है, आपके लिए भी रख देता है। आपके पास जो है उससे अपना भी काम चला लीजिए और सब बचाकर उसको जगत के लिए भी लगा दीजिए। भगवान का संदेश सबके लिए यही है। भगवान कैसे खाता है सुनो, भगवान ऐसे खाता है जैसे फूल मेरे हाथ में है। इस फूल को मैंने अपनी नाक से लगाया, इसकी पूरी खुशबू मुझे मिल रही है, इसकी पूरी खुशबू मुझे मिली है इस फूल की। और इस फूल को आप यदि कोई तौलना चाहें तो इसका वजन मेरे इसके ग्राह्य करने पर एक रत्ती भी इसका वजन कम नहीं। और इसकी खुशबू हमने ले ली, उसी प्रकार से भोजन की थाली भगवान के सन्मुख जाती है तो भगवान भाव की सुगंधी ले लेते हैं, तुम्हारे दाल रोटी चावल उतने के उतने ही बने रहते हैं। उसे भाव चाहिए, आपकी वस्तुएं नहीं, वस्तुएं तो वो तुम्हारे लिए रखता है, तुम्हारा भाव चाहिए। नए कपड़े लेके आए हो तो पहले भगवान को दिखा दीजिए, वो देखने में ही खुश हो जाता है। कोई नई चीज आई है, मेरे महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं अपने घर का मालिक भगवान को मानिए और आप सब उस घर में सेवक बन करके रहिए। कोई नई चीज आपको मिलती है तो ये कहा करो को जैसे दादाजी बाजार जाते हैं तो हमारे लिए टॉफी ला करके हमें देते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने आज हमें ये चीज दे दी है। गाड़ी आवे तो कहो कि भगवान ने हमें प्रसाद में दिए। कुछ कपड़ा लत्ता खरीद के लाएं तो यही कहो कोई देखो ये भगवान ने हमें प्रसाद में दे दिया। हम लोगों का तो भाव ऐसा ही, जो भी कोई चीज मिलती है हम तो देखिए अभी भंडारे के लिए कई गाड़ियां खरीदी गई तो किन्हीं ने हमें पूछा महाराज जी आपने इतनी गाड़ियां खरीदी हैं? मैंने कहा हमने एक भी नहीं खरीदी। तो ये सब कहां से आ गई? हमने कहा ये भगवान ने प्रसाद में दे दी है सब, ये सब प्रसाद में आ गई। और इन सब चीजों को प्रसाद रूप मान लोगे तो गीता कहती है प्रसादम सर्व दुखानाम, वो चीजें तुम्हारे संपूर्ण दुखों का नाश कर देंगे। उसको प्रसाद रूप में समझ लें, ये हमें प्रसाद में मिला है। तो प्रसाद का मायना है वो संपूर्ण समस्याओं को समाप्त कर दे, जितनी भी हानि है उसको, वहां हानि होती नहीं वहां लाभ होता है। तो हम एक ऐसी कृति के साथ जुड़ें जहां हर चीज को हम प्रसाद बना लें। तो वर्णन है दृष्टापि शिव नैवेद्यम, जो चीज भगवान के लिए समर्पित है उसी को प्रसाद कहते हैं। जो चीज भगवान के लिए समर्पित है ऐसी वस्तु को देख करके पाप ऐसे भाग जाते हैं जैसे बिल्ली को देख करके चुखरे भाग जाते हैं। जहां बिल्ली है वहां चुखरे रुकते थोड़े ही, जहां सिंह है वहां वन्य जीव रुकता नहीं है भागता है। उसी प्रकार से देवताओं के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को देखकर पाप ऐसे ही भाग जाते हैं और गृहस्थ में बहुत अपराध हो जाते हैं। झाड़ू लगाते समय कीड़े मकोड़े मरते हैं, पोंछा लगाते समय बहुत जीव हत्या हो जाती है। और इस जीव हत्या के प्रायश्चित के लिए श्री शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान का भोग नित्य लगाए।